हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली। सो दोबारा हमेशा की तरह वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ। फिर से थैंक यू का रीज़न आपको पता है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मैं आप लोगों से मिलूँ हमेशा आपको थैंक यू कहूँ। तो जैसे मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैंने बताया था कि आज मेरा बर्थडे और मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है। तो भाई सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी। और तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बाल गीले पड़े हैं। तो गीले पड़े होने का कारण ये है कि मैंने अभी अभी अपना सर धोया है, लगते 4:40 हो गए मैंने सिर धोया है। और ऐसा नहीं है मैंने सुबह से नहाया नहीं था, मैं सुबह से दूसरी बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था आज सुबह से मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास आज बताने को ही कुछ नहीं था कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ऐसा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी क्या सीन है कि जो टेम्परेचर है चंडीगढ़ का टेम्परेचर है वो अराउंड 13-14 है, धूप हमारे वहाँ पर निकली है नहीं, ठंड इतनी ज़्यादा है, बाहर निकलने का तो हम सोच ही नहीं सकते। निकलेंगे जाएंगे शाम को जाएंगे, तो आज फॉर एग्जांपल कल भी जैसे मैं बताती हूँ कि हमारे फर्स्ट की को भी सेलिब्रेशन होती है, 31st को भी सेलिब्रेशन होती है, तो आज के दिन 31st को मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, कल हम फुल फैमिली लेके जाएंगे। तो अभी क्या है ना कि सुबह से मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया है, मैंने सुबह से सिर्फ एक नाश्ता बनाया था, दोपहर का खाना बनाया था, उसके बाद मैं पार्लर चली गई। तो पार्लर में मैंने कुछ पैकेजेस लिए, कुछ क्या एक पैकेज लिया, उस पैकेज के अंदर उन्होंने मुझे फेशियल दिया और उन्होंने मुझे थ्रेडिंग वगैरह दी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से आज मेरी जो थ्रेडिंग है थोड़ी साफ है, बहुत दिन से मैं बालू बनी हुई थी, यहाँ यहाँ हर जगह बाली बाल थे, तो मैंने सोचा चलो बर्थडे है थोड़ा बहुत करा लिया जाए। और बर्थडे के साथ साथ, एक सिर्फ बर्थडे ही नहीं है, बर्थडे के साथ साथ जैसे मैंने आपको मेरे 2-3 ब्लॉक पीछे मैंने आपको बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी है, तो 2 जैन से मैंने न्यू जॉब ले ली है, 2 जैन से मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूंगी। तो ऑब्वियसली आज 31 दिसंबर है, एक कल का दिन है, परसों से मुझे जॉब के लिए जाना है। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, तो पता नहीं जाके कैसा लगा, मुझे तो ठीक लग रहा है। आपको अगर आपको मेरा चेहरा पहले से साफ लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मम्मा फेशियल हाँ करोगे तो दिखोगे ना वैसे ही वैसे। गाइस, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूँ, इसके कहने का मतलब ये है आप चाहे जितना मर्जी फेशियल करा लो, दिखोगे तो वैसे के ही वैसे है। ऐसे कहने की जरूरत नहीं थी इसको, पर चलो इसने कह दिया है तो शायद इसको ऐसा लगता होगा। तो गाइस अभी ठंड इतनी, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हीटर जलाया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं अभी ना के आई हूँ, तो इतनी ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, हीटर भाई चलाना पड़ा क्योंकि इसके बिना गुजारे नहीं है। तो पैर सेकने के लिए तो अभी तो बहुत सही लग रहा है ये। और ये महारानी ये क्या कर रही हो? अच्छा, अभी क्या है ना कि दादी और जैजू सोए हुए हैं, सिर्फ ये और मैं उठे हुए घर पे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब बहुत ज्यादा काम तो बचा है नहीं, खाना वगैरह सब बन चुका है और अभी हम क्या करें, तो बैठ के मैंने कहा चलो सिर वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने सर पे तेल वगैरह लगाया हुआ था, शाम को जाना है तो चिपचिपा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने जो सिर वगैरह अपना धो लिया, नहा लिया, बेसिकली मैंने दोबारा नहाया है आज। तुम क्या कर रही हो दिखाओ जरा। ओ माई गॉड, बड़ा सुंदर इसने स्नोमैन बनाया गाइस, ये देखिए नजदीक से मैं आपको दिखा अब देती हूँ। इसके पैर और स्कर्फ बनाना बाकी है। हाँ, तो इसने इसके टू टू हैंड्स बना दिए हैं, ये देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक लेके आ रही हूँ, और इसके पैर बनाने बाकी हैं और स्कर्फ और स्कार्फ। ओके, इसका स्नोमैन का स्कार्फ और स्नोमैन के पैर बनाने बाकी हैं, लेकिन इसने बनाया बहुत सुंदर है, ये देखिए। अभी 2 मिनट में बन जाएगा। अच्छा, अभी ये पिंक पिंक बना रही है, इसकी जो पैर है पिंक है, स्नोमैन के हैंड ब्राउन है, इसकी कैप भी ब्राउन है, बॉडी व्हाइट है और लेग इसके पिंक है, तो ये एक अलग ही। अच्छा, तो इसके स्कार्फ पिंक बन रहे हैं, मुझे लगा कहीं ये स्नोमैन को कहीं और ही जोन में लेके चल रही है, गुलाबी मैन। अच्छा ये पकड़ो, तो अभी गाइस मैं बाद में दिखाऊंगी। अच्छा अभी बाद में दिखाएगी, अभी तो गाइस प्लान कुछ ऐसा है कि अभी नव्या के पापा आएंगे 6-7 बजे तक आएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। अभी घर के लिए तो हमने पहला, मेरा एक मन था कि मैं घर को डेकोरेट करूं थोड़ा सा, इनके लिए सरप्राइज रखूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार हमने तो बाहर ही जाना है, घर पे तो नहीं हमने करना, तो फायदा नहीं है डेकोरेशन करने का।
लेकिन हम लोग बच्चों के लिए, अभी जैसे मैंने इससे पूछा था कि क्या खाना है शाम को, तो इसने बताया कि पिज्जा खाना है, पेस्ट्री खाना है। तो शाम को मैंने इसके पापा को बोल दिया कि आते हुए पिज्जा और पेस्ट्री वगैरह लेके आएंगे। तो बच्चों के लिए हम लोग ये रखेंगे और मैं और इसके पापा हम लोग बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। तो ये तो थी अभी तक की अपडेट। तो अभी मुझे पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कितने बजे जाएंगे। तो जब भी हम अब निकलेंगे शाम को, जहाँ भी निकलेंगे उसका अपडेट उसको मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताती हूँ। तो गाइस इस वाले ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और अगेन बहुत सारा थैंक यू। और गाइस, अच्छा गाइस, इसका स्नोमैन का स्कार्फ बन गया है, वो देखते हुए जाना। लेकिन पैर के लिए ब्राउन नहीं बचा। अच्छा चलो ये देखिए गाइस, इसने स्नोमैन का, अच्छा इसने स्नोमैन के लिए स्कार्फ बना दिया, और इसके लिए पैर नहीं बचे क्योंकि इसका ब्राउन कलर खाली हो गया है। तो ये इसका बिना पैर का स्नोमैन है। अबे रुको, मैं लकड़ी लेके आती हूँ। नहीं नहीं रहने दो। तो गाइस चलिए इस वाले ब्लॉग में, लाइक बहुत बड़ा ब्लॉग में नहीं बना रही हूँ, मिनी ब्लॉग में इतना सा ही। और अगर अब हम शाम को फिर निकलेंगे तैयार वगैरह होके, सज धज के, क्योंकि आज तो बर्थडे है, सज धज के हम लोग निकलेंगे, तो मैं दोबारा ब्लॉग बनाऊंगी। लो भाई गाइस, सेंटा का लो क्रिसमस निकल गया, इसका सेंटा अभी तक नहीं आया है। तो चलिए गाइस दोबारा हम लोग मिलते हैं, अगर बाहर निकले तो दोबारा हम लोग मिलते हैं, फिर से मैं आपको लाइक बाहर घूमते हुए मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।